दोस्तों आज के मार्केट अपडेट में आप सबका स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते मार्केट में जो मंदी चल रही थी आज थोड़ा संभलते हुए दिखा। एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। सेंसेक्स ने आज 2476 पॉइंट या 8.97% की बढ़त ली और 30,000 के मार्क को टच किया और निफ्टी ने भी करीब करीब 700 पॉइंट या 9% की बढ़त लेते हुए 8,800 के आसपास पहुंच गया। आज के टॉप गेनर्स में से हैं इंडस इंड बैंक जिसने करीब करीब 24% की बढ़त ली, एक्सिस बैंक जिसने भी 20% के आसपास बढ़त ली। इनके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलिवर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HCL टेक, भारती एयरटेल, सन फार्मा और HDFC बैंक, इन सारे शेयर्स में 10% या 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। अब सवाल ये है कि आज ऐसा क्या हुआ कि सारे बैंक स्टॉक्स ऊपर जाने लगे। इसका सीधा सीधा रिश्ता है इंटरनेशनल मार्केट के साथ और ओवरऑल कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के साथ। हालांकि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है लेकिन न्यू डेथ्स एंड न्यू केसेस काफी कम हो गए हैं यूरोप और यूएसए में। इनफैक्ट न्यू केसेस का डाउनवर्ड ट्रेंड काफी पॉजिटिविटी फैला रहा है मार्केट में और इसी के वजह से इन्वेस्टर्स होपफुल हैं कि जितना लंबा उन्होंने सोचा था उतना लंबा शायद ये वायरस इम्पैक्ट ना करे। और यही पॉजिटिविटी का इंपैक्ट पूरी दुनिया भर के बैंक स्टॉक्स में देखे जा रहे हैं, जहां पे यूएस में भी बैंक स्टॉक्स जैसे जेपी मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, इन सारे बैंक शेयर्स ने 8% के आसपास की बढ़ोतरी दर्ज की। और दोस्तों अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड मतलब AGEL के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उन्होंने आज ही फ्रेंच एनर्जी कंपनी टोटल के साथ एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है जिसके जरिए उन्होंने 3,707 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल टारगेट है 2,148 गीगावाट का सोलर प्लांट्स इंस्टॉल करना भारत के 11 स्टेट्स में। ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है और AGEL स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी खबर भी हो सकती है क्योंकि क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी इज द फ्यूचर और इसमें जो कंपनी इन्वेस्ट करेगा उसका फ्यूचर भी अच्छा हो ये तो लाजमी है। ये डील आज डे एंड तक फाइनलाइज हुआ और इसी के वजह से शायद कल इम्पैक्ट पड़े AGEL के शेयर्स पे जो आज बंद होते वक्त 158 के आसपास था। दोस्तों दिन के खत्म होते होते एक और न्यूज आई जो शायद कल इम्पैक्टफुल हो सकता है आपके लिए, वो ये है कि गुजरात एल्कलीज ने अपने ऑपरेशंस को पार्शियली शुरू कर दिया है और उन्होंने अपने दहेज और वडोदरा वाले जो प्लांट्स हैं उसका पार्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड दैट इज GACL के स्टॉक्स ने आज ऑलरेडी 20% के आसपास की बढ़त ली और 302 पे बंद हुआ। अब देखना यह है कि इस न्यूज का असर इसके स्टॉक्स पे कल कैसे पड़ता है, क्या ये कल उछाल दर्ज कर पाती है, आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आपका कमेंट शेयर कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो करीब करीब 1,00,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डिमांड्स मीट करने के लिए हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे और इसी के साथ उन्होंने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का भी अनाउंसमेंट किया है फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ताकि उनका लिक्विडिटी मिसमैच को हैंडल किया जाए। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक्स आज 1.44% के आसपास गिरा और 48 के भाव में बंद हुआ लेकिन देखना यह है कि दिन के एंड में आया ये अनाउंसमेंट कल उनके शेयर्स को चमका पाती है या नहीं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने भी एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसकी बदौलत उन्हें $75 मिलियन जो है 568 करोड़ रुपए उन्होंने रेज किए हैं। सिटी बैंक के साथ भी को फाइनेंसिंग किया है और $25 मिलियन जो है 190 करोड़ रुपए उन्होंने रेज किया है और ये पैसा यूज किया जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए जो देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सेक्शन के लोग
लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर्स में आज करीब करीब 5% की बढ़ोतरी देखी गई, जहां पे उसने दिन का एंड किया 168 रुपए के आसपास। क्या कल इस न्यूज के जरिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स और ऊपर चढ़ेंगे, ये तो समय बताएगा। और अगर आपको कुछ लगता है, अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ शेयर करना है, आपके इनसाइट शेयर करने हैं, तो प्लीज वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए।